Hello students, I welcome you all to MSS English classes. This is chapter 2 of poetry. This is a poem, The True Beauty, composed by Thomas Carew. Thomas Carew England के एक महान कवि थे जो 17वीं शताब्दी के थे और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे लिरिक्स लिखे हैं और ये पोयम भी एक लिरिक है. लिरिक क्या होता है? लिरिक एक शॉर्ट पोयम होती है, म्यूजिकल होती है और गाए जाने के लिए लिखी जाती है और थीम भी एक ही होती है. इस पोयम के अंदर पोइट हमें दो प्रकार की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी. स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, यानी कि आत्मा की सुंदरता, मन की सुंदरता, और एक है शारीरिक सुंदरता. तो पोइट यहाँ पर जो आत्मा की सुंदरता है उसको पसंद करते हैं और उसका गुणगान करते हैं, और जो शारीरिक सुंदरता है उससे नफरत करते हैं. वो कहते हैं कि शारीरिक सुंदरता तो समय के साथ खत्म हो जाती है और जो व्यक्ति शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है उसका प्रेम भी समय के साथ खत्म हो जाता है, और मन की सुंदरता एवरलास्टिंग होती है जो गुणों पर आधारित होती है. ईश्वर ने जो गुण हमें अंदर दिए हैं उन गुणों पर आधारित जो प्रेम है वो एवरलास्टिंग होता है, वो कभी खत्म नहीं होता, समय उसे कभी नष्ट नहीं कर सकता. सो लेट्स बिगिन विद द पोयम. इस पोयम के अंदर टू स्टैंजाज हैं. एक स्टैंजा के अंदर 6 लाइन्स हैं. अब एक्सप्रेशन को समझते हैं इसकी. ही दैट लव्स अ रोजी चीक. ही वह व्यक्ति, दैट लव्स अ रोजी चीक, और अ कोरल लिप एडमायर्स, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक फ्यूअल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. पोइट कहते हैं ही वह व्यक्ति, दैट लव्स, जो प्रेम करता है, अ रोजी चीक, जो पसंद करता है, रोजी चीक्स, गुलाबी गाल, और अ कोरल लिप, या मूंगे जैसे होठ. जो मूंगा होता है वो लाल रंग का होता है, जब हल्का पिंक, तो ऐसे होठों को एडमायर करता है, उनकी प्रशंसा करता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक, या फिर सितारे जैसी आँखें, सुंदर आँखें सीख खोजता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फिजिकल ब्यूटी को बताती हैं कि ये फिजिकल ब्यूटी है. और जो व्यक्ति इस प्रकार की फिजिकल ब्यूटी को खोजता है, गुलाबी गाल देखता है, कोरल लिप्स, मूंगे जैसे लाल होठ देखता है, सितारे जैसी आँखें जो डीप हैं, बहुत ही चार्मिंग हैं, तो उनको खोजता है. फ्यूअल टू मेंटेन हिज फायर्स, तो कहते हैं ये सब फ्यूअल हैं. फ्यूअल मीन्स ईंधन होता है. टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स, उसकी फायर्स को. फायर्स का डिक्शनरी मीनिंग तो होता है आग, लेकिन यहाँ पे है फीलिंग्स ऑफ लव, प्रेम की भावनाओं को. तो ये शारीरिक सुंदरता उसकी प्रेम की भावनाओं को, जो प्रेम रूपी ज्वाला है उसके अंदर, उसको जलाए रखने के लिए ईंधन का काम करते हैं, कि जब तक ये हैं तब तक उसकी प्रेम की भावनाएं हैं, और जब ये नहीं हैं तो उसकी प्रेम की भावनाएं भी खत्म. तो आगे पोइट कहते हैं एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, और जैसे ओल्ड यानी कि बुढ़ापा आ जाता है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो टाइम क्या कर देता है? मेक्स दीज डिके, इन सभी को नष्ट कर देता है. डिके मीन्स नष्ट करना, खत्म करना. तो समय जो है इस शारीरिक सुंदरता को क्या करता है? खत्म कर देता है जैसे ही बुढ़ापा आता है. तो समय बीत, इट मीन्स इसका भाव है कि समय बीतने के साथ शारीरिक सुंदरता खत्म हो जाती है, और फिर क्या होता है? सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इस प्रकार उसकी फ्लेम्स, फ्लेम्स क्या होती है? लपटें, आग की लपटों को फ्लेम्स कहते हैं. तो इस प्रकार उसकी जो फीलिंग्स ऑफ लव थी, यानी कि प्रेम की भावनाएं, वो भी वेस्ट अवे, खत्म हो जाती हैं. जैसे ये शारीरिक सुंदरता खत्म होती है तो उसकी प्रेम की भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं. तो फिजिकल ब्यूटी क्या है? अस्थाई है. सो इन दिस स्टैंजा पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी, इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज नॉट एवर लास्टिंग, एंड द मैन हु लव्स फिजिकल ब्यूटी, हिज लव इज नॉट एवर लास्टिंग, हिज लव इज नॉट ट्रू, बिकॉज दिस ब्यूटी इज डिस्ट्रॉयड विद द पैसेज ऑफ टाइम. नेक्स्ट स्टेंजा,
बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड काइंडल नेवर डिंग फायर्स वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज। पोइट कहते हैं बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। अब इस स्टेंजा के अंदर वो स्पिरिचुअल ब्यूटी ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात की है, तो कहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी तो टेम्पररी होती है लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी एवर लास्टिंग होती है, क्योंकि ये स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। ऐसी ब्यूटी में क्या होता है, स्मूथ बहुत ही सरल सिंपल, स्टीड फास्ट माइंड होता है, फर्म माइंड होता है, दृढ़ मस्तिष्क होता है, दृढ़ मन वाला होता है ऐसा व्यक्ति। तो जो व्यक्ति ऐसे गुण देखता है कि जिसका मन सरल है और सिंपल थॉट हैं और दृढ़ विचार हैं, है ना, स्टेबल माइंड है, स्थिर मन है, मन में चंचलता नहीं है, स्थिर है और फिकल माइंड नहीं है वो व्यक्ति, जेंटल थॉट्स हैं उसके, अच्छे विचार हैं यानी कि व्यवहार अच्छा है, काम डिजायर्स इच्छाएं शांत हैं, और जिसकी इच्छाएं शांत है मीन्स उसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल है, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। तो जो व्यक्ति ऐसी सुंदरता से यानी कि इन गुणों से प्रेम करता है, जो ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल होती हैं और ईश्वरीय गुण होते हैं, तो उस उन व्यक्तियों के हृदय, यहाँ पे देखो हार्ट्स आया है, यानी कि उन दोनों के हृदय, प्रेमी और प्रेमिका, उन दोनों के हृदय विद इक्वल लव, एक जैसे प्रेम से कंबाइंड बंधे रहते हैं। इट मीन्स उनका जो प्रेम है वो इन गुणों पर आधारित होता है और उनके हृदय को, उनके विचारों को आपस में बांध के रखता है। इट मीन्स वो कभी खत्म नहीं होते, किंडल नेवर डिंग फायर्स, और किंडल यानी कि उनको इंस्पिरेशन देते हैं, किंडल मीन्स इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं ये गुण, नेवर डिंग फायर और नेवर डाइंग फायर यानी कि वो कभी भी नहीं मरती, फायर्स उनकी फीलिंग्स ऑफ लव, उनकी फीलिंग्स ऑफ लव कभी भी नष्ट नहीं होती और हमेशा उनको प्रेरणा देती हैं। तो जो व्यक्ति इन गुणों से प्रेम करता है उनके हृदय हमेशा एक जैसे प्रेम से बंधे रहते हैं और इन गुणों से उन्हें हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है और उनकी फीलिंग्स ऑफ लव कभी भी कम नहीं होती, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनकी फीलिंग्स ऑफ लव हमेशा बनी रहती हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सब नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, हेट करता हूँ मैं ऐसी ब्यूटी से, ऐसे लवली चीक से, ऐसे प्यारे गालों से, ऐसे कोरल जैसे लिप्स से या ऐसी स्टार लाइक आईज से मैं नफरत करता हूँ, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है और समय के साथ नष्ट हो जाता है। तो लास्ट लॉन्ग जो ब्यूटी है वो है गुणों पर आधारित और यही सच्ची सुंदरता है। आई होप कि आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।